मुझे अभी तक की सबसे परफेक्ट फिटिंग लगी है बॉडीकॉन ड्रेस। फैन ऑफ शर्ट्स, तो मे बी शायद इसे मैं रिटर्न करके स्किनी जीन्स परचेज भी नहीं करती हूँ। आएगा कलर एस्थेटिक्स की किसके साथ जा रहा है। हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्त वाला न्यू। हाई, माई नेम इज अंशिका। आज मैंने अपने बालों को बांध के रखा है क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं जूड़ा बना के आपके साथ डिस्कस करूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट ट्राई ऑन हॉल रिकॉर्ड करके फ्री हुई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से बाल वाल बांध के फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव परचेज फ्रॉम अर्बैनिक दिस मंथ। सो मैंने बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें खरीदी हैं बिकॉज फॉल आ गया है एंड फॉल इज़ माई फेवरेट सीजन, बिकॉज यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है, और मैं अपने आउटफिट्स मतलब जो एस्थेटिक्स मेरा है मैं वो कैरी आउट कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक शर्ट्स एंड टैंक टॉप जो मैंने इस बार परचेज करी, और मैंने ड्रेस परचेज करी है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर वन स्पेशल इवेंट जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जो ड्रेस मैंने परचेज करी है। सो शुड वी स्टार्ट विथ दिस टॉप? या सो वी शुड स्टार्ट विथ दिस टॉप। तो मैं यहाँ पे साथ में देखती जाऊंगी और मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या कैसा आइटम है। दिस वन इज अ शीयर लेस टॉप और ये है 990 की प्राइस में। इसमें दो कलर्स मिलते हैं, व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट। सो दिस इज बेसिकली ऑफ व्हाइट कलर जो मैंने आज पहना हुआ है, एंड इसमें वन साइज अवेलेबल था, तो साइज का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। आप इसमें एस एम एल नहीं चूज कर सकते, इट्स लाइक अ वन साइज प्रोडक्ट जो बेस्ट है। एंड मुझे फिटिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आई है, मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ कि ये कैसी लग रही है, बट अगेन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसका काम बहुत ही अच्छा है। आप स्लीव्स में देखिए, पूरा इस टाइप का शीयर लेस टॉप है, एंड इसमें व्हाइट कलर मुझे उतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, बट ऑफ व्हाइट इज़ लाइक ये मैं किसी भी कलर के साथ पहन सकती हूँ। व्हाइट फिर वो हो जाता है कि मुझे स्पेसिफिकली चूज़ करना पड़ेगा कलर एस्थेटिक्स की किसके साथ जा रहा है किसके साथ नहीं जा रहा है, बट ऑल आई कैन से इट्स टोटली वर्थ इट। 1000 में मुझे बहुत अच्छा पीस मिला है। सामने मुझे 4 से 5 इसमें बटन्स मिलती हैं, इट्स लाइक अ जैकेट, लाइक क्रॉप जैकेट टाइप का, और अंदर आप टैंक टॉप के साथ पहन सकते हैं। टैंक टॉप के लिए मैंने एक स्पेसिफिकली ब्लैक कलर का टैंक टॉप चूज करा है, बिकॉज मेरे पास जो ब्लैक टैंक टॉप्स थे ना वो मतलब स्क्वायर नेक में थे, बट मुझे सर्कल नेक में चाहिए था। सो दैट्स व्हाई आई चेक दिस आउट, एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है पहनने पे, बिकॉज द फिटिंग इज अमेजिंग। मैंने जो साइज दिया है दैट इज एस साइज और ये है 690 का, तो 690 में मुझे बहुत सही लगा। इट्स लाइक अ क्रॉप टैंक टॉप और इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बिकॉज मेरे पास जो अभी टैंक टॉप है ना वो थोड़ा सा पतला है, प्लस इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा मोटा है और निटेड फैब्रिक में। एज यू कैन सी अभी विंटर में, लाइक अभी फॉल में और विंटर्स में भी यू कैन सी आप स्वेटर्स वगैरह के अंदर इसे बहुत अच्छे से कैरी आउट कर सकते हैं, एंड मुझे फॉल के लिए तो बहुत सही लगा। आप इसे पहनो, ऊपर से शर्ट कैरी कर सकते हो, ब्लेजर कैरी कर सकते हो, कुछ भी कैरी कर सकते हो। सो इट्स लाइक अ मस्ट हैव जो टैंक टॉप्स है। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, व्हाइट, पिंक, ब्लू, सारे कलर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल है। सो जस्ट गो एंड चेक दीज टू आइटम्स। यू गाइस ऑलरेडी नो दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ शर्ट्स, मुझे टॉप से ज़्यादा पसंद शर्ट्स है, मैं शर्ट ज़्यादा अपने वार्डरोब में रखती हूँ, इसलिए मैंने इस बार दो शर्ट सेलेक्ट करी। दोनों ही शर्ट वो स्ट्रिप्ड वाले पैटर्न में थी, तो एक है मेरे पास ब्लू एंड व्हाइट और एक है मेरे पास ग्रीन व्हाइट ब्लैक समथिंग में। दिस वन इज द ब्लू एंड व्हाइट वन। ये जो साइज है वो है एस साइज, तो आप कन्फ्यूज मत होना एस और एम है, बिकॉज एस भी थोड़ी ओवर साइज पैटर्न में ही है। मैंने दो अलग अलग साइजेस ऑर्डर करी है जस्ट टू चेक कि मेरे लिए कौन सा साइज ओवर साइज में आ रहा है। एम मैंने इसमें लिया है और एस मैंने इसमें लिया है। एस इज परफेक्ट फॉर मी, लाइक जो साइज मुझे करेंटली चाहिए। एम मेरे लिए ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ओवर साइज है, तो मे बी शायद इसे मैं रिटर्न करके एस ऑर्डर करूंगी, बिकॉज आई रियली लाइक द फैब्रिक एंड ऑल। मुझे इसका डिज़ाइन कलर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं इसका एक्सचेंज करने का सोच रही हूँ। लेट जस्ट टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट। दिस इज लाइक अ ब्लू व्हाइट शर्ट, इस टाइप की शर्ट मैंने वेस्ट साइड में देखी, वो ब्लैक और व्हाइट में थी, बट मुझे सेम अर्बैनिक पे मिल गई, वो भी बहुत अच्छे प्राइस रेंज में, दैट इज 1390। और जो शर्ट मुझे पसंद आई थी दैट वॉज फॉर 1999, तो ऑब्वियसली 2000 रुपये में वहाँ देने से ज़्यादा बेटर मैं 1400 रुपये यहाँ दूँ। द फैब्रिक इज एग्जैक्टली द सेम, लाइक इसका ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी सा वेयर करके रखा है। इस टाइप की शर्ट्स आप ओवरसाइज जीन्स के साथ पहनो, इट लुक्स ऑसम, लाइक दोज आर माय एस्थेटिक्स। लाइक अगर आपको ओवरसाइज कपड़े पहनना पसंद है तो फिर आप ये वाला एक बार ट्राई करना, एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा है। मेरी बात मानो तो आपको इस टाइप के शर्ट्स अपने वार्डरोब में जरूर ऐड करने चाहिए, बिकॉज मेरे वार्डरोब में आपको यही मिलने वाला है। लेट जस्ट टॉक अबाउट दिस ग्रीन वन, ये उससे ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, लाइक ये भी सॉफ्ट है बट ये ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने इसमें एम साइज ऑर्डर करी है, बट मुझे बहुत मन है कि मैं इसका एस साइज परचेज करूँ। इसका प्राइस भी थोड़ा सा महंगा था, दैट इज 1590, बट अगेन 1590 का आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यू कैन यूज़ माई कूपन कोड जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड, बिकॉज उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलेगा, तो फिर आप एक्स्ट्रा शॉपिंग कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप शॉपिंग करोगे ना उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ऐसा रहता है अर्बैनिक पे। सो या आप ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सो अगर आपको ये ग्रीन वाली पसंद आई है तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और इनकेस अगर आपको ब्लू वाली पसंद आई है तो फिर वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज अ जीन्स, एंड इस बार मैंने जीन्स परचेज करा है वो भी वाइड लेग में, बिकॉज मैं स्किनी जीन्स की फैन नहीं हूँ और मैं स्किनी जीन्स परचेज भी नहीं करती हूँ. आई डोंट रिमेंबर कि मैंने स्किनी जीन्स कब खरीदा था और कब पहना था, मुझे ये भी याद नहीं है. तो दिस इज द जीन्स जिसका प्राइस है अभी 1690, एंड दिस इज अ वाइड लेग जीन्स. बेसिकली मेरे पास इस ब्लू में नहीं था कुछ, मैंने जो लास्ट टाइम परचेज करा था दैट वॉज इन द लाइट ब्लू कलर. जो मैंने इस शर्ट के आई गेस जो मैंने ग्रीन शर्ट के साथ पहना है ना, वो मैंने लास्ट अर्बैनिक हॉल से परचेज करा था. तो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट माई लास्ट अर्बैनिक हॉल तो फिर आप आई बटन चेक कर सकते हैं. एंड दिस इज द लेटेस्ट जीन्स जो मैंने अभी इस बार परचेज करा है. दिस इज लाइक अ डार्क ब्लू कलर, एग्जैक्टली डार्क ब्लू नहीं है बट हाँ दिस इज सॉर्ट ऑफ वो जो मैला वाला डार्क ब्लू कलर आता है ना, वो वाला कलर है ये. एंड इसमें नीचे से आपको थोड़ा सा रग्ड पैटर्न तो नहीं कहूँगी मैं, इस टाइप का ये निकला हुआ जो थ्रेड्स वगैरह निकले रहते हैं ना, ये वाला पैटर्न है इसका. एंड मुझे इसका साइज फिट आया बिकॉज दिस इज़ लाइक अ हाई वेस्ट जीन्स. मैं मिड वेस्ट और लो वेस्ट नहीं पहनती हूँ, तो ये हाई वेस्ट में है. मेरा जो वेस्ट है दैट इज़ 28, एंड ये एग्जैक्टली मेरे ऊपर सही जा रहा है. मैं इसका साइज आपको बताऊँ तो जो मैंने साइज लिया है, मैंने साइज लिया है एस, एंड एस में जो वेस्ट है दैट इज़ 27. तो अगर मैं हाई वेस्ट पहन रही हूँ तो आई गो विद 27, और अगर मैं मिड वेस्ट में हूँ तो फिर मैं 28 साइज लेती हूँ. बट ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, द कलर, द साइज, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. मैंने इसे ब्लैक कलर के टैंक टॉप के साथ पहना था. जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा है. इफ़ यू रिमेंबर माई बर्थडे ड्रेस जो मैंने गैदर्ड बॉडीकॉन ड्रेस खरीदी थी, उसी पैटर्न में मैंने एक ब्लैक कलर की गैदर्ड बॉडीकॉन ड्रेस ही परचेज करी है. प्राइस इज 1590, उससे तो सस्ती है बिकॉज वो मुझे कुछ 1700-1800 की पड़ी थी. एंड दिस इज द ब्लैक गैदर्ड ड्रेस, ओ माई गॉड. इसकी फिटिंग मुझे अभी तक की सबसे परफेक्ट फिटिंग लगी है बॉडीकॉन ड्रेसेस में. मेरे पास जितनी भी बॉडीकॉन ड्रेसेस हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं ब्लैक ड्रेस की बात करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस इन माय वार्डरोब. एंड इसकी जो स्लीव्स है वो है नेट की, तो ये आप देख सकते हैं पूरी स्लीव्स में नेट लगा हुआ है. यहाँ पे कोई वो ऐसा नहीं है कि इलास्टिक लगा दिया, वो मुझे पसंद नहीं आते पता नहीं क्यों. नेक इसका स्क्वायर नेक में है, बैक भी इसका स्क्वायर नेक में है, तो मुझे नेक बहुत पसंद आया था इसका. प्लस इसका जो रफल है, लाइक जो गैदर्ड है ना, वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से वेस्ट से और फिर नीचे तक, पूरा नी के नीचे तक ये ड्रेस जाती है. शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, नी के नीचे है, मतलब कहीं बीच में आ रही है. बट इट लुक्स अमेजिंग व्हेन आई से दिस. अगर आपका बर्थडे आ रहा है, अगर आपको कोई इवेंट अटेंड करना है या फिर अगर आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, जस्ट गो फॉर दिस वन. अगर आपके घर में कोई फंक्शन भी है ना जहाँ पे आप वेस्टर्न कैरी कर सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द ड्रेस जो आप ले सकते हो. इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिलते हैं, आई गेस 1, 2, 3, 4, 5 कलर्स आर अवेलेबल, बट पर्सनली ब्लैक इज माई फेवरेट. और प्राइस भी इसका 1590 है. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, इसको तो मैं 10 out of 10 दे रही हूँ. जस्ट गो एंड ग्रैब दिस, बिकॉज अगर ये एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो गई ना फिर वो नहीं मिलने वाली है. बिकॉज मेरी जो बर्थडे ड्रेस थी ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी और वो कभी भी स्टॉक में नहीं आई. आई डोंट नो वाई. अर्बैनिक वालों ने सिर्फ एक ही बनाया था कि दो बनाया था पता नहीं क्या, क्योंकि वो अभी तक स्टॉक में नहीं आई है. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट अ बर्थडे ड्रेस और समथिंग इन योर वार्डरोब जो ब्लैक में बॉडीकॉन में सबसे सुंदर हो, जस्ट गो फॉर दिस वन. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. आई रियली होप यू एंजॉय माई टुडेज ब्लॉग. ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये हॉल कैसा लगा है, बिकॉज मेरे सारे आइटम्स आज के फेवरेट हैं. अगर आपको एक पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो चाहिए जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स मैं रिव्यू करूँ, तो यू कैन शेयर मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं वो जरूर परचेज करूँगी नवंबर वाले मंथ में. सो या जस्ट शेयर मी सम आउटफिट्स और जस्ट शेयर मी सम शर्ट्स आई वुड से, बिकॉज शर्ट्स मेरे फेवरेट है, तो फिर मैं वो जरूर रिव्यू करूँगी. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग. बाय.